हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीक के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 21 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया एंड फ्रांस विल कंडक्ट दियर लार्जेस्ट इवर नेवल एक्सरसाइज वरुणा इन मई 2019। इट विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डेस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स एंड फाइटर्स। इंडिया विल डिप्लॉय इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य विद इट्स MiG-29K फाइटर्स। भारत और फ्रांस मई 2019 में अपने सबसे बड़े नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन करेंगे। इसमें विमानवाहक, विध्वंसक पनडुब्बी और लड़ाकू विमान शामिल होंगे। भारत अपने MiG-29 के लड़ाकू विमानों के साथ अपने विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य को तैनात करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल फ्लीट रिसीव IFR दैट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन क्विंडाको, चाइना एज पार्ट ऑफ 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ पीपल्स लिब्रेशन आर्मी नेवी PLA नेवी। भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR में भाग लेंगी, जो चीन के चिंगदाओ लिबरेशन आर्मी नेवी PLA नेवी की 70वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में चीन के किंगदाओ में होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचारों की। एक्जिम बैंक हैज प्रोवाइडेड सॉफ्ट लोन्स ऑफ $26.60 million टू रवाड़ा फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। एक्जिम बैंक ने रवाड़ा को विभिन्न परियोजनाओं के लिए $266.60 million का सुलभ ऋण प्रदान किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन यूसुफ हमीद इज अमोंग ए होस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट ऑनर्ड इन द 2019 लिस्ट ऑफ न्यू फेलो ऑफ द UK's रॉयल सोसाइटी। प्रमुख वैज्ञानिक और व्यवसायी यूसुफ हामिद ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के नए सदस्यों की 2019 की सूची में सम्मानित भारतीय मूल के विशेषज्ञों में से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तकें एवं लेखकों की। ए बुक कंटेनिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द 100-year-old क्लासिक पंजाबी पोइम अबाउट जलियावाला बाग मैसकेयर खूनी वैसाखी हैज बीन रिलीज्ड इन अबू धाबी। इंडिया एम्बेसडर टू द UAE नवदीप सिंह सूरी कमेंडेड द लॉन्च ऑफ द बुक। जलियावाला बाग नरसंहार खूनी वैसाखी के बारे में 100 वर्ष पुरानी क्लासिक पंजाबी कविता के अंग्रेजी अनुवाद वाली एक किताब अबू धाबी में जारी की गई है। UAE में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने पुस्तक के लॉन्च की सराहना की है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टोरीज निधन की। स्कॉटलैंड ऑलराउंडर कॉन्डी लैंग, हु हैड बीन डायग्नोस्ड विद ए ब्रेन ट्यूमर, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 38। स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर कॉन्डी लैंग, जिनका ब्रेन ट्यूमर के बाद 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की बात करते हैं, अमेरिकाज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट पायलट जेरी को पास्ड अवे इन फ्लोरिडा एट द एज ऑफ 88 फॉलोइंग ए ब्रीफ इलनेस।
अमेरिका की पहली अंतरिक्ष में यात्री उम्मीदवार जेरी कोब का 88 वर्ष की आयु में फ्लोरिडा में बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें, और इसकी वीडियो की PDF जरूर डाउनलोड करें। PDF का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।